कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, सीए सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव, हार्दिक, सनाया, श्रियांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। हमारे सांस्कृतिक पर्वों और त्योहारों में रक्षाबंधन का एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह पर्व राष्ट्र का मैत्री पर्व है, सौहार्द महोत्सव। देश के ब्राह्मण समुदाय इस पर्व को उपाकर्म और संस्कार शुद्धि के रूप में मनाता है, किंतु जैन जगत वात्सल्य पूर्णिमा के नाम से स्मरण करता है। तीर्थंकर मल्लीनाथ के समय हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के राज्य में अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनियों पर महान उपसर्ग हुआ, जो विष्णु कुमार मुनि द्वारा श्रावण की पूर्णिमा को उपसमित किया गया था। महानुभाव केरल हाई कोर्ट ने दिसंबर 92 में कहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार लोगों के बीच मैत्री, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्राचीन समय में शिष्य जब अपने श्री गुरु से ज्ञानार्जन के लिए जाते थे, तब गुरु शिष्यों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसे मौली कहते थे। एक बार युधिष्ठिर ने नारायण श्री कृष्ण से इस संदर्भ में जिक्र किया, तब नारायण श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार देवराज इंद्र और राक्षसों के बीच अचानक युद्ध छिड़ गया। तब देवों के नायक इंद्र की पत्नी अपने पति की रक्षा हेतु बृहस्पति देव के पास सहायता मांगने गई। तब बृहस्पति देव ने इंद्र की भुजा पर रक्षा कवच बांधा, जिसके प्रभाव से देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सकने में सफल हुए। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन की परंपरा चल पड़ी। एक दूसरी घटना आती है। एक बार नारायण श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, तेजी से रुधिर स्राव होने लगा, जिसे देख द्रौपदी ने अत्यंत शीघ्रता से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कृष्ण के हाथ में बांधा था। जब युधिष्ठिर दुर्योधन से दूत में द्रौपदी सहित हार गया, तब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त करने के उद्देश्य से साड़ी खींचने लगा। तब उक्त उपकार के ऋणी नारायण श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी का चीर बढ़ाकर रक्षा की। इधर दुशासन चीर खींचता गया, उधर कृष्ण की साड़ी को बढ़ाते गए और बहन द्वारा भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चल पड़ी। सिकंदर और सम्राट पुरु के बीच युद्ध चल रहा था। सिकंदर की सेना के हौसले पस्त पड़ गए, पराजय के कगार पर था, आशंका थी विश्वविजयी सम्राट सिकंदर धोखा खा जाएगा। इसलिए एक यूनानी महिला ने पुरु को राखी भेजी और कहा वह उन्हें अपनी बहन माने और सिकंदर के प्राणों की रक्षा करे। उसके बाद रक्षा सूत्र की लाज रखते हुए पुरु ने सिकंदर के प्राण नहीं लिए। महानुभाव मध्ययुग की इतिहास की घटनाएं हैं, सांप्रदायिक एकता और सद्भावनाओं को लेकर के।
दिल्ली पर एक समय हुमायूं का शासन था। चित्तौड़ राज पर गुजरात के नवाब ने आक्रमण कर दिया। चूँकि चित्तौड़ उस समय नवाब से युद्ध करने में असमर्थ था, चित्तौड़ राज के अस्तित्व को खतरे में देख वहाँ की महारानी करमवती ने कोई युक्ति सूझी और उन्होंने हुमायूं के लिए राखी भेजी। धर्मबाई स्वीकार करते हुए सहायता की गुहार की। इस बात को लेकर हुमायूं बड़ा प्रसन्न हुआ और बिना विचार किए पवित्र बंधन की रक्षा हेतु सेना सहित चित्तौड़ की ओर दौड़ पड़ा। बताते हैं गुजरात के नवाब को जब सारी बातों का पता चला तो हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा मधुमक्खियों के छत्ते में जानबूझ के हाथ डाल दिया और गुजरात की ओर भाग गया। कहते हैं हुमायूं के बेटे अकबर ने भी इस परंपरा को कायम रखा। अकबर इस बंधन का पर अटूट आस्था विश्वास रखता था, जिनसे वे राखी भेजकर अपने संबंधों की रक्षा की बात करते थे, दायित्व सौंपते थे। अकबर उसे बखूबी निभाता था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह आलम गौण जाति के एक ब्राह्मणी रामजनी को हर वर्ष राखी बंधवाते थे। वह रक्षाबंधन पर पालकी में सवार हो शहर से किले की ओर आती थी। शाह आलम उसको जेवरात, नगदी, वस्त्र आदि देख करके वापस भेजते थे। पौराणिकों में रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार ही नहीं, जैसा कि संप्रति माना जाता है, अपितु स्त्रियां भी सैनिकों के संबल को, हौसले को बढ़ाने के लिए रक्षा सूत्र बांधा करती थी। महानुभाव शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय ने भी राखी के धागे का उपयोग किया था। एक बार वे काशी के नरेश के दरबार में राखी बांधने पहुँचे। काशी नरेश ने गदगद भाव से उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें राखी बांधी। पैर छुए सम्राट ने और दक्षिणा के लिए कहा तो मालवीय जी ने उत्तर में कहा कि मुझे गंगा किनारे विश्वविद्यालय बनाने का मन है, जमीन चाहिए। तब काशी नरेश ने न केवल 15 गांव की जमीन बल्कि काफ़ी धन दिया और तब वहां काशी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। आप जानते हैं राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, अरविंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि अनेक राष्ट्रीयता के व्रत लेकर राखी बांधने निकले थे। हम इतिहास पढ़ते हैं तो विदित होता है सरोजिनी नायडू ने तो राखी पर एक कविता एक्सेप्ट द ब्राह्मण गोज फ्रॉम माई हैंड एक कविता लिखी थी और रवीनाथ ठाकुर ने राजनीति के क्षेत्र में राखी का सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग किया। बताते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग विरोध दिवस को उन्होंने रक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुबह होती ही वे दलबल के साथ सड़कों पर निकल पड़े और एक पवित्र बंधन को लेकर जनसमूह के बीच उतरे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लोगों को रक्षा सूत्र बांधा और उस एकता के कारण अंग्रेज की फूट डालने वाली नीति पर पानी फिर गया। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का प्रसंग भी आता है। एक तूफानी रात एक विधवा स्त्री के घर उस शरण लेने मजबूर हो गए। वह उन्हें डाकू समझ घबरा गई। तब आज़ाद ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो न केवल उसने शरण दी अपितु चंद्रशेखर को भोजन भी कराया। उस विधवा की एक बेटी थी। उस दिन रक्षाबंधन होने के कारण उसने आज़ाद को हाथ में राखी बांधी। परिचर्चा के दौरान
आजाद को विदित हुआ कि गरीबी के कारण से बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। महानुभाव, रात हुई, आजाद ने विश्राम किया और प्रभात में वह चारपाई पर 5,000 रुपये की थैली छोड़ के चले गए। विदित हुआ कि रक्षाबंधन पर एक बहन की शादी के लिए चंद्रशेखर ने भेंट किया है। आपसे क्या कहूँ, राजस्थान के जोधपुर के इतिहास को भी देखते हैं तो डाकू मंगल सिंह एक बहुत बड़ा डाकू हुआ। श्रावण की पूर्णिमा का दिन था, 11 बजे का वक्त था। किसानों के साथ एक माली जाति की विधवा स्त्री अपनी 4-5 वर्षीय लड़की को लेकर गांव से बाहर जा रही थी। उस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था। लड़की जिद करने लगी, माँ आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं भाई को राखी बांधूंगी। माँ कहती, तेरा कोई भाई नहीं है। लड़की रूठ पड़ी, रोने लगी, फूट फूट रोने लगी। तब रास्ते से डाकू मंगल सिंह निकल रहा था और उसने जब लड़की के संवाद को सुना तो उसका हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आ गए और वह कहने लगा, प्रिय बहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लो मेरी कलाई पर राखी बांधो। लड़की के पास कोई राखी नहीं थी, उसने अपनी चुन्नी की साड़ी को चुन्नी को फाड़ा और एक सूत डाकू मंगल सिंह को बांध दिया। डाकू मंगल सिंह ने उसके बाद सारी जिंदगी उस लड़की के साथ भाई बहन का रिश्ता निभाया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस देश में ऐसे कितने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सांप्रदाय की एकता और भारत में कुरुतियों को मिटाने के लिए रक्षा सूत्र का बहुत भारी प्रयोग किया है। प्रभात की शुरुआत हो, इसलिए आप सभी को चाहिए रक्षाबंधन के दिन केवल धागे का दिन ही ना समझें, वरन शिक्षा के क्षेत्र में, सैनिकों के क्षेत्र में जिस प्रकार महापुरुषों ने रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर देश को जोड़ने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी चाहिए, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इस तरह की मंगल भावना करते हुए आप सभी को चाहिए इस भारत की भूमि पर रहें या कहीं और भी चले जाएं, वहाँ अपने संबंधों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। एक बार स्वामी रामतीर्थ अमेरिका की यात्रा पर कर रहे थे। उस समय उनके पास थोड़े से वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। अमेरिका निवासी एक सज्जन ने उनसे पूछा कि आपका अमेरिका में कोई संबंधी है? आपके पास कोई धन भी नहीं है, अमेरिका में आप कहाँ कैसे रहेंगे? स्वामी रामतीर्थ ने आगंतुक की ओर दृष्टि डालते हुए कहा आत्मविश्वास के साथ कि यहाँ पहले मित्र आप हैं मेरे, जहाँ मुझे सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। तब वह व्यक्ति प्रेम से भर गया और स्वामी रामतीर्थ के लिए अपने घर पर ले गया। हम यही चाहते हैं कि ये संबंध पैदाइशी नहीं होते हैं, ये विचारों के संबंध होते हैं, देश और समाज को जोड़ने के लिए विश्व मैत्री की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जब तक विश्व मैत्री की भावना नहीं होगी तब तक समाज का और देश का उत्थान नहीं हो सकता है। पारिवारिक संबंधों के टूटते हुए यही लगता है कि आज केवल बहन और भाई के बीच में सौदा पैसों का रह गया है, जबकि यह रक्षाबंधन पैसों का पर्व नहीं था, यह प्यार का पर्व था। और प्यार के पर्व के दिन जैसे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की, वैसे ही यदि बहन पर कोई कहर बरप जाए, समाज में कोई उपसर्ग संकट आ जाए,
तो एक दूसरे को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ रक्षाबंधन को विश्व मैत्री की भावना से प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखना। यदि आप केवल भाई के घर एक सूत्र लेकर बदले की भावना से जाते हैं, कुछ लिफाफा दे दे, तो यह संवेदनाओं को नष्ट करने वाला है। आजकल मैं सुनता हूँ बहनें कहती हैं, भाई मुझे आपकी भेंट की आवश्यकता नहीं है, आप तुम उसे चेक दे दीजिए। और बहनें भाई से चेक लेती हैं पर रिश्ते निभ नहीं पाते हैं। कभी थोड़ी सी आँच बढ़ती है, जैसे रोटी जल जाती है, वैसे ही आज के बहन भाई के रिश्ते भी थोड़ी ऊंची नीची बात होती है, रिश्ता टूट जाता है। लेकिन एक माँ से जन्मे दो बहन भाई का रिश्ता खून का होता है और उस खून के रिश्ते को निभाने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर आप समाज में और देश में अपने संबंधों को मुखरित कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। रक्षाबंधन के दिन आप बंधन को स्वीकार करें, अर्थात अपनी मर्यादाओं में रहने की कोशिश करें। जो व्यक्ति मर्यादाओं से बाहर निकल जाता है वह समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाता है। जैसे नदी तटों को फाड़ के निकल जाती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है, तब वह शोभनीय नहीं हुआ करती। वैसे बहन भाई अपने रिश्तों से यदि साइड होने लग जाते हैं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक माँ से जन्मे भाई बहन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र को बांधने का प्रयास करना है तो हमारे अंदर प्रेम प्रीति का भाव होना चाहिए। सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। मैं भगवान आदिनाथ को देखता हूँ, जब ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो वहाँ से एक सिंह और चमरी गाय निकल रहे थे। चमरी गाय के बाल कांटों में फंस गए थे, सिंह बड़े प्यार से उनको अलग अलग कर रहा था। इसको देख के लगता है कि सिंह के मन में भी गाय के प्रति कितना प्रेम है, एक एक बाल निकाल रहा था। इसी का नाम है रक्षाबंधन, दूसरे के प्राणों की रक्षा करना। भारत बहुत बड़ा देश है, इस देश में जैन, बुद्ध, ईसाई, सिख और जितने भी लोग हैं, सभी के लिए आपसी संबंधों को उन्नत करना है और उन संबंधों के कारण ही पूरा यह देश चलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जनजागरण महाआरती अभियान इसी बात को लेकर प्रारंभ किया गया है इस देश में, दुनिया में, कि आपसी संबंधों को मधुर बनाया जाए, पास पास बैठ के रहने की आदत डाली जाए। जब से है मोबाइल आया है इसने आपस के संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया है। रक्षाबंधन विश्व मैत्री का दिवस है, एक दूसरे से गले लगें, प्यार दें, प्यार लें, इसी को हम रक्षाबंधन के रूप में समझते हैं। विष्णु कुमार मुनि ने 700 महामुनियों की रक्षा की, आप अपने परिवार की रक्षा कर लें तो भी काफ़ी होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच परिवार मिलते मिलते समाज का निर्माण होगा, समाज का भला होगा, अनेक समाज मिलेंगी, देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, सीए सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव, हार्दिक, सनाया, श्रियांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।